हेलो एवरीवन, जेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड, यानी बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी का पेपर, जो कि पेपर फर्स्ट है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। ये पेपर 2022 में आया था। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या पेपर का फॉर्मेट रहता है और इस साल कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है 50 नंबर का पेपर रहने वाला है। 3 घंटे का समय मिलेगा। सभी प्रश्न खंडों के उत्तर आपको करने होंगे, जैसे सेक्शन ए, खंड आ, बा और सा तीन में डिवाइड है। तो हम पहले बात देख लेते हैं सेक्शन ए यानी खंड आ। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, इनमें से किसी तीन को आपको करना होगा। प्रत्येक के लिए 10 नंबर मिलेंगे। इस हिसाब से सेक्शन ए हमारा 30 नंबर का हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बुचेरेरिया के जीवन चक्र और उससे होने वाली बीमारियों तथा उसके नियंत्रण का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ में अथवा में क्वेश्चन दे रखा होगा तीनों प्रश्नों में। तो ये पहले में देखिए, अथवा में क्या दे रखा है वो देखते हैं। पहले में मछलियों के आर्थिक महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। दूसरा क्या है, मधुमक्खियों में श्रम विभाजन का वर्णन करें तथा शहद और मोम का आर्थिक महत्व बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल पढ़िएगा। इसके साथ अथवा में दे रखा है मुर्गी पालन उनके उत्पादों और रोगों के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यह भारत में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट टाइगर पर एक विस्तृत विवरण दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टाइगर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है अथवा में और में, ये क्या है वो भी सुन लीजिए आप। प्रेरित प्रजनन को परिभाषित करें और इसके महत्व के साथ मछलियों में प्रेरित प्रजनन की तकनीकों का वर्णन करें। फिर आ जाता है सेक्शन ब खंड बी, सेक्शन बी खंड बा, जिसमें लघु उत्तरी प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। जिसमें 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो 3 × 5 यानी कि 15 नंबर का सेक्शन होने वाला है। 5 क्वेश्चन करने, ध्यान रखना। जैसे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर हैं, 9 क्वेश्चन है तकरीबन, 9-10 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 करने होंगे। जैसे फाइटो पैरासाइटिक निमाटोड क्या होते हैं, ई का जड़ भेदक, शाही जैली, सामान्य वह कीड़े, पेब्रिन रोग, वन्य जीवों का पूर्व स्थित संरक्षण, जियार्डाइसिस, रेड डाटा बुक, रेशम कीट की विभिन्न प्रजातियाँ। इसमें से आपको जो भी ठीक लगे वो क्वेश्चन 5 आप कर सकते हैं। खंड सा यानी सेक्शन सी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वस्तु निष्प्रेषण यानी बहुविकल्पीय, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं भाई, ये मैं आपको बता देता हूँ इसके सबके आंसर। व्हाट इज डांस मीट वॉर बीज, मधुमक्खी के लिए नृत्य का अर्थ होता है। तो इसका जो नृत्य करने का अर्थ होता है मधुमक्खियों के द्वारा, वो क्या क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं। भोजन स्रोत की तरफ गमन करना, सूचना प्रसार, प्रजनन या मनोरंजन। तो ये सूचना प्रसार के लिए होता है, कम्युनिकेशन करने के लिए। कॉमर्शियल लैक इज वाणिज्यिक लाख होता है, एक कीड़े का निर्मोक, एक कीड़े का लाल स्त्रावण, कीड़े के शरीर का उत्सर्जी पदार्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जो हमारा वाणिज्यिक लाख होता है, वो होता है एक कीड़े का लाल स्त्रावण, स्लाइवरी सिक्रेशन होता है इंसेक्ट का। नेक्स्ट है मूगा सिल्क इज ऑब्टेंड फ्रॉम, मूगा रेशम किससे प्राप्त होता है। तो इसका देखिए पहले ही ऑप्शन ठीक है, सीधे बता देता हूँ मैं, एंथेरिया आसामेंसिस से ये रोग, मतलब ये मूगा रेशम हमें प्राप्त होता है, सॉरी मूगा रेशम किससे प्राप्त होता है, एंथेरिया आसामेंसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, निम्न में से कौन सा रसायन जहरीली बीट्स के रूप में चूहे को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी चूहे को मारने के लिए हम कौन से बीट्स का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर देखिए, पहले सारे ऑप्शंस बोल देता हूँ, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, जिंक फॉस्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। और इसका सही आंसर जो है वो है सी, जिंक फॉस्फेट जो है वो एक चूहे मारने के बतौर जहरीली बीट्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित एक कीट उत्पादक है, इसके ऑप्शन हैं कैंथ्रीडिन, कोचिनियल, रॉयल जेली या उपयुक्त सभी। और इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ये मैंने आपको पेपर बता दिया है बीएससी थर्ड ईयर का, ये पेपर है बीएससी।